अगर किसी स्टूडेंट को नीट JEE और CET के एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसे दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला, उसके सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसे प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी करनी होगी। वसीम सर ट्यूटोरियल्स में हम आपको एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। साथ ही साथ आपको अच्छे टीचर्स, स्टडी स्पेस और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। 90% स्टूडेंट जो घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया, गेमिंग जैसे चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनके लिए इस तरह का स्टडी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशंस ओपन हैं, अभी कॉन्टैक्ट करें एडमिशंस के लिए दिए गए नंबर पर। शादी के खाने के टेबलों पर इस्तेमाल की जा रही है कुरान की आयतें लिखी हुई प्लास्टिक की पन्नियां, देखिए चौंकाने वाले वीडियो। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ चौंकाने वाले वीडियोस दिखा रहे हैं। आज तक आपने पटाखों के कागजों में कुरान की आयतें निकलने के कई मामला देखे होंगे, मगर हम आज हटकर एक मामला आपको कुरान की आयतों से संबंधित बता रहे हैं। और ये वीडियो जो हम आपको इसमें बता रहे हैं, ये मुबरा कौसा की हॉल के है और एक हॉल संचालक ने ही हमें भेजे हैं जिनका नाम है अयाज काजी, जो सुल्तान वेडिंग हॉल और वाई जंक्शन से पहले आलिया हॉल, ये ऐसे हॉल चलाते हैं। तो इन्होंने ये वीडियोज हमें भेजे हैं, मगर कुछ वजह से वो हमें दुकानों का पता नहीं बता पाए। ये वीडियोस हैं प्लास्टिक पन्नियों के, जो कि अक्सर आप शादी में, वलीमे में, रिसेप्शन में खाने के लिए जब बैठते हैं टेबल पर, तो टेबल पर जो प्लास्टिक की दो दो तीन तीन पन्नियां बिछाई जाती है, तो वो पन्नियां हैं। मगर ये पन्नियां देखिए, इस पर साफ तौर पर आपको कुरान की आयतें अरबी में लिखी हुई नजर आएगी। तो ये दुकानें जो है जिन्हें ये सप्लाई कर रही है, ये दुकानें, ये भी मुमरा कौसा की है, मगर अयाज भाई हमें वो जानकारी नहीं मुहैया करा पाए अभी तक कि वो कौन सी दुकानें हैं। तो हमारा तमाम शादी समारोह में, रिसेप्शन में, वलीमों में जाने वाले लोगों से अनुरोध है, तमाम हॉल संचालकों से, कैटरिंग सर्विस में काम करने वाले जितने भी महिला पुरुष, युवक युवतियाँ हैं, और तमाम ये बेचने वाले दुकानदार, इनसे अनुरोध है कि इससे धार्मिक भावना आहत होती है और ये कुरान की जो है बेहुरमती भी होती है, तो इसका संज्ञान ले और अपने तौर पर इस पर रोक लगाने की 100% कोशिश करें। बनाने वाले ने कैसा बनाया है वो तो ये प्रिंट हुआ कहाँ से? क्या ये पन्नी लाया कौन? बाबा भाई एक कुत्तन वाले भी लेते हैं। तुमको कैसे मालूम है? अरे हम लोग कर लेना अचानक सीटिंग के बाद देखे, हम लोग जब दूसरी सीटिंग। सही बेटा, चल बैठ जा, बैठ जा, ये तेरा खाना निकाली जाने। अरे ठंडा हो जाएगा ना। अरे आ जाओ ना बेटा, तुम्हारे लिए छोटे कुछ मजा आएगा। हाँ नहीं चालू होता तो पहले से चमक जाएगा ना, इसमें प्लास्टिक है।